हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है होली, तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरे सुबह सुबह थोड़ा सा कलर लग गया और पापा जी आ गए। पापा जी के तो बहुत ज़्यादा कलर लगा हुआ है। हैप्पी होली बोल दीजिए हैप्पी पापा होली, हैप्पी होली। जी। और मम्मी जी यहाँ पर अभी बैठी हुई है। मम्मी के नहीं लग कलर लगा है। मम्मी जी हैप्पी होली बोल हैप्पी दीजिए। होली। और पापा जी, बच्चे, ये सब लोग गए हैं जो बाहर होली जलती है बड़ी वाली वहाँ पर। और अभी मैं और मम्मी दोनों लोग जाएंगे, जो हमने घर के आंगन में एक छोटी सी होली रखी है, जो मैंने कल के इवनिंग के ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो उसी होली को भी हम लोग थोड़ी देर में जलाने वाले हैं। अभी पापा जी आ गए थे, जो बाहर से जो है आग लेकर आएंगे जहाँ पर होली जल रही है। और उसी आग से फिर हम घर वाले होली जलाएंगे। होली अपने हाथ से नहीं जलाई जाती है। और बच्चे सब लोग बाहर गए हुए हैं। घर में सबसे पहले होली जो है पापा जी ने स्टार्ट कर दी है। बच्चे सोते ही रहे, पापा जी ने उठने के बाद सबसे पहले कलर दोनों बच्चे के सोते में ही लगा दिया। बच्चे प्लानिंग करते ही रह गए, उठ के सरप्राइज हो गए, अरे कलर कहाँ से आ गया, बाहर खेल रहे हैं। ¡Gracias!
हे गाइस, तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आपसे यहाँ पर रेडी होने के बाद मिल रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ये इस तरीके की साड़ी पहनी है और मम्मी भी रेडी हो गई हैं और मम्मी इस टाइम किचन में है। मम्मी जो है भिंडी की सब्जी कट कर कर रख रही हैं, जिससे कि अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी किचन में और फटाफट से खाना बनाकर तैयार कर दूँगी। और दोनों बच्चे रेडी होने के बाद पापा के साथ मार्केट गए हैं और पापा जी बाहर के रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि इवनिंग में यहाँ पर होली वाले दिन सब लोग मिलने के लिए आते हैं, शाम को होली मिलने के लिए सब लोग घर पर आते हैं। तो पापा जी सबको बाहर रिसीव कर रहे हैं और जो लोग भी हम लोगों से मिलना होता है, मम्मी से या मुझसे, तो फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। और मम्मी भी बाहर बैठी हुई थी, मम्मी बस अभी उठकर आई हैं। मम्मी बोल रही बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो और आज मैंने मम्मी के कहने पर ये वाली नोज़ पिन पहन ली है। मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं इस वाली नोज़ पिन को पहनूं। बहुत बार मम्मी बोलती हैं कि इसको पहन लो, बट ये थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैं इसको नहीं पहनती हूँ। पहले तो पहन लेती थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता था। और यहाँ पापा जी भी आ गए, बच्चे भी आए नहीं हैं। और शाम के बाद मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं की। दोपहर को हम लोगों ने नहाने के बाद ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की। तो मॉर्निंग में आंटी आई थी, बस स्वीपिंग कर गई थी, बर्तन वगैरह क्लीन कर गई थी। लेकिन होली है, बार बार सब लोग आ रहे थे, गुलाल लगा रहे थे, तो सारी बेडशीट्स पर घर में गुलाल हो गया था। तो फिर मॉर्निंग में मम्मी ने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कराई थी। और फिर दोपहर को जब हम लोगों ने नहा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच की प्रिपरेशन करने के बाद, उसके बाद मैंने लगभग 2 बजे घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग की और सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की। तो आज हमने न्यू बेडशीट्स बिछाई है और यहाँ पर ये इस तरीके की येलो बेडशीट बिछाई है। और बाहर के रूम की दिखाती हूँ, वो वाली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। और इस वाले रूम में ये वाली बेडशीट बिछाई है। ये थोड़ा सा इसमें धागे का काम हो रहा है, जयपुरी प्रिंट जैसा। और यहाँ पर अभी लाइट नहीं आ रही है। और ये पूरा मैंने सोफे के कवर सारा क्लीनिंग कर कर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये मैंने 2 ट्रे में नाश्ता लगा कर रखा है, जिससे कि जो लोग भी आते हैं तो फिर सब लोग यहाँ से ही अपना खा पी कर चले जाते हैं। और ये मेरी बड़ी जिठानी है, जो कि मम्मी से अभी होली मिलने के लिए आई है। मैं आपके घर कल आऊँगी मिलने। ठीक है। भाभी मॉर्निंग में भी आई थी। हम लोग मॉर्निंग में जब घर में पूजा करते हैं, उसके बाद भी हम लोग पैर छूने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं, तो भाभी हमारे घर आ जाती है। मम्मी के पैर छूने आती है तो मैं तभी भाभी के भी पैर छू लेती हूँ साथ में। और अभी भाभी इवनिंग में तैयार होकर आई है। भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो। मॉर्निंग में आप कैसे लग रहे थे? कलर सब लोगों ने देखा होगा, भाभी के सबके कलर लग रहा था। और अभी भाभी बहुत अच्छी लग रही है, भाभी की साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। पहले भी आपने देखा होगा, मैंने लखनऊ शादी के जो ब्लॉग शेयर किए थे तो वहाँ पर भी भाभी हमारे साथ में थी। और ये भाभी का बेटा है अचिंत। हेलो अचिंत, हाय करो। हेलो कर दो, बाय। हाय करो। हेलो। और यहाँ पर मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी भी यहाँ पर रेडी हो गई है। बहुत देर के बाद मैं आपको मिलवा रही हूँ मम्मी से। अभी 11:15 हो गया है और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए हैं और मम्मी भी यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर कर लेट गई हैं और दोनों बच्चे मम्मी के पास लेटे हुए हैं। और इस टाइम अभी 11:15 बज गया है और हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। और आज होली थी तो इवनिंग में सब लोग आते जाते रहते हैं, तो बस इसी में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और आज मैंने मेरा फर्स्ट लाइव किया था। मैंने सोचा था कि लाइव आप लोगों के साथ होली की विशेस दे दी जाएँ, और लाइव मेरा बहुत अच्छा रहा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, होली की विशेस दी। आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। और
अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया। जिस टाइम पर मैं लाइव कर रही थी, मम्मी ने डिनर की प्रिपरेशंस कर दी थी, मम्मी ने भिंडी की सब्जी वगैरह सब कुछ बना दी, और उसके बाद मैंने बस रायता बनाया और आटा लगाकर रोटी पराठा जो बनाना था सब कुछ बना दिया। और अभी बस हम लोग खा पी कर किचन को क्लीन कर कर यहाँ पर आकर लेट गए हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।